नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं, जनपद फिरोजाबाद के नगर पंचायत मकनपुर और शुकुहाबाद में उपजिलाधिकारी शुकुहाबाद ने सभी व्यापारियों के बीच एक मीटिंग आयोजित की, जिसमें उपजिलाधिकारी द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें अतिक्रमण, पानी और साप्ताहिक बंदी के बारे में भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि मक्खनपुर नगर पंचायत सैयद मजार से लेकर पायनियर बिलास तक सड़क के दोनों तरफ से अतिक्रमण हटेगा, फुटपाथ से दुकानें साफ होंगी, सभी दुकानदार अपने सामान को शटर के अंदर रखेंगे, नाले के ऊपर कोई सामान नहीं रखा जाएगा। उधर नाले के ऊपर किसी भी दुकानदार का सामान मिलता है तो उस दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर पंचायत के सभी व्यापारी 22-25 तारीख तक जितना भी अतिक्रमण कर रखा है वह अपना सामान अपनी दुकान के अंदर कर लें। 25 तारीख के बाद नगर पंचायत के द्वारा प्रशासन के सहयोग से दुकानदार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सामान को जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही उपजिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी वेद प्रकाश यादव को आदेश दिए कि वह नगर पंचायत में 2 दिन सोमवार और बुधवार सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बैठा करेंगे। लोगों की पानी की समस्या को भी सुना गया, उस पर उपजिलाधिकारी ने नगर पंचायत के सभी अधिकारियों को 7 दिन के अंदर पानी की समस्या को खत्म करने के आदेश दिए। साप्ताहिक बंदी के दिन शुक्रवार को पूरी तरह साप्ताहिक लागू करने की बात कही, जिसमें नगर पंचायत की कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। साथ ही मक्खनपुर चौकी इंचार्ज रामबाबू पाठक को आदेश दिया गया कि मक्खनपुर नगर पंचायत में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कोई भी बड़ा वाहन नहीं आएगा। सुबह 10 बजे शाम 7 बजे तक नो एंट्री रहेगी। बैठक में उपजिलाधिकारी के अलावा लिपिक वैभव जैन, जसवंत सिंह सहित नगर और कस्बे की सभी व्यापारी गण मौजूद रहे। तो देखते रहिए राजेश गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। देखिए, आप जानते हैं कि शासन का निर्देश है कि जो हमारी नगर पंचायतें हैं वो पहली बात साफ सुथरी है, उसमें बेतरतीब वाहन न खड़े। जो हमारे व्यापारी भाई अपनी दुकान लगाते हैं वो रोड पर न लगे, रोड पर अतिक्रमण न रहे। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के चूँकि कार्रवाई से पहले ये आवश्यक है कि हम अपने व्यापार मंडल के जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं और व्यापारी भाई हैं सबको बुला करके और उनको इस कार्रवाई ये होगी या उनको अवगत कराते हैं और सभी ने आश्वासन दिया है कि वो सहयोग करेंगे और स्वेच्छा से ही अपनी जो है जो भी रोड पे उनका अतिक्रमण है, दुकानें आगे बढ़ी हुई हैं उसको हटा लेंगे और रोड में जो है उसको अपनी दुकान के अंदर कर लेंगे। जैसा बड़े वाहन आते हैं इनका कोई नियम है तो टाइम होगा? बड़े वाहन का भी हमारे चौकी इंचार्ज साहब भी यहाँ उपस्थित थे और बड़े वाहन भी कोशिश करेंगे कि एक वो हाफ टाइम के बाद अगर माल आते हैं उनके तो वो जब दुकानें और मार्केट बंद हो जाती है उस समय आएंगे, अपना माल उतारेंगे और जाएंगे। भीड़ के समय में बड़े वाहन जो है मार्केट में नहीं आएंगे, ये व्यवस्था बनवाई जाएगी। ठीक।